केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने इंदौर प्रेस क्लब में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए पत्रकारों से चर्चा की। इस मौके पर राज्य मंत्री रेणुका ने कहा कि आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 2018 में बीजपुर में वन धन विकास योजना की शुरुआत की गई, वही अब 60,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। वन धन योजना के तहत खोले गए विकास केंद्रों में समूह के लोग प्रशिक्षण में आदिवासी शामिल होंगे। प्रारंभ किया है 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक वन धन विकास केंद्र की शुरुआत की थी और उन्होंने उस समय कॉन्सेप्ट दिया था कि वन धन, जन धन और गोधन ये आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के जीवन में चमत्कार लाएगा। तो आज वंधन विकास केंद्र की हम लोग शुरुआत कर चुके हैं और पूरे देश में लगभग 60,000 से ज़्यादा हम लोग वंधन विकास केंद्र खोलेंगे और हर वंधन विकास केंद्र पर हमारी सरकार 45-45 लाख रुपए खर्च करने जा रही है। रेणुका सिंह ने कहा कि आदिवासी हिंदू है लेकिन लोग गरीबी का फायदा उठाकर विदेशों से फंड लाकर भ्रमित करते हैं। इस मौके पर इंदौर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का स्वागत किया और इंदौर से जुड़ी अनेक जानकारियां भी दी। इस मौके पर अनेक पत्रकार मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बाण न्यूज, इंदौर।